हाय गाइस, वेलकम बैक टू संकल्प स्पोकन इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अबाउट सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि बीते हुए कुछ वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में बात करी थी, आज भी हम उसी सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम आप सभी के डेली रूटीन में कहीं ना कहीं हम आप सभी देखते भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो सेंटेंस है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पर कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो या आप कैमरे की निगरानी में हो, ठीक है कि नहीं? अब बच नहीं सकते, इसलिए वहाँ लिखा हुआ रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिस इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इज डेट यू आर अंडर सर्वेलेंस कैमरा, मतलब आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, ठीक है? इसका मतलब ऐसा होता है, एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है और एक ऊपर लगा हुआ है, ठीक है? उसके कैमरे की निगरानी में कोई नहीं बच सकता। टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप, किसी का चप्पल उल्टा पड़ा हुआ रहता है तब हम उसको सजेस्ट करते हैं कि टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप, आप आपकी जो स्लीपर्स है, स्लीपर्स मीन्स होता है चप्पल, आप उसको सीधा करिए या कर लो, ठीक है? यू लुक यंगर देन योर एज, इसका मतलब होता है कि आपकी जो एज है उससे आप कम नज़र के लगते हो, ठीक है? मतलब स्मार्ट लगते हो, इसका मतलब ऐसा है, ठीक है? आप ओल्ड भी हो गए तो यंग लगते हो, इसका मतलब ऐसा होता है, यू लुक यंगर देन योर एज। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या चल रहा है? जब मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई बच्चे बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है? वहाँ क्या चल रहा है भैया, क्या कर रहा है, यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। आई विल कम इन अ मंथ और सो, मैं एक आध महीने में आऊँगा, ठीक है? वो आता तो नहीं लेकिन अपन ऐसा बोलता है कि भैया मैं एक आध महीने में आऊँगा, इस प्रकार का सेंटेंस हम सुने होंगे कि भैया मैं एक आध घंटे में आ रहा हूँ, एक आध दिन में आऊँगा, ठीक है? एक आध साल में आऊँगा, ठीक है? तो एक आध के लिए हम और सो का यूज़ करते हैं, आई विल कम इन अ मंथ और सो। हैव फेथ इन गॉड, भगवान पर भरोसा रखिए, इसका मतलब होता है भगवान पर भरोसा रखिए, हैव फेथ इन गॉड, ठीक है? हम आप सभी ऐसा बोलते हैं कि भैया भगवान पर भरोसा रखिए, आप भी अंग्रेजी सीख जाओगे, हैव फेथ इन गॉड। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स, ठीक है? हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए या हमें बुरी आदतें त्याग देनी चाहिए। वी शुड गिव अप, गिव अप का मतलब यू नो वेरी वेल क्या होता है, ठीक है? वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। आई विल नॉट स्पेयर यू, देखिए स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, लेकिन एक वर्ड और होता है लीव, इसका मतलब होता है लीव यानी छोड़ना या त्यागना। लेकिन जब हम किसी को धमकी देके बोलते हैं कि भैया मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मतलब मारने की धमकी, वो छोड़ने बांधा नहीं रखा है, उसको ऐसे धमकी देते हैं कि भैया मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए स्पेशली यूज़ करते हैं हम स्पेयर का, ठीक है? स्पेयर। नेक्स्ट है, सेटल दिस मैटर सम हाउ, कैसे भी करके इस मैटर को सुलझाओ, कोई मामला गलत हो गया है, कोई गलत मामला अपन ने कर दिया, 6 and 7 मामला हो चुका है अपना, तो हम किसी को कहते हैं कि भैया किसी भी करके इस मैटर को सुलझा लो यार, फर्स्ट तो गए हैं, व्हाट इज डन बट नाउ कम व्हाट में सेटल दिस मैटर सम हाउ, अब जो हो गया सो हो गया लेकिन अब चाहे जो हो इस मैटर को कैसे भी करके सुलझाओ, सेटल दिस मैटर सम हाउ। वेयर डज दिस रोड लीड, वेयर डज दिस रोड लीड, यह रोड कहाँ जाता है? हम आप सभी कभी कहीं जाते हैं तो हम पूछते हैं कि यह रोड कहाँ जाता है, तो जाने के लिए हम गो का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि रास्ता कहीं नहीं जाता है, रास्ता वहीं का वहीं रहता है, सिर्फ वो लीड करता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लीड। वेयर डज दिस रोड लीड, यह रोड कहाँ जाता है? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यू आर अंडर सर्वेलेंस कैमरा, आप कैमरे की निगरानी में हो, योर टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप, आपके चप्पल सीधे करिए या चप्पलों को सीधे करिए, यू लुक यंगर देन योर एज, आपकी उम्र से कम नज़र आते हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या चल रहा है, आई विल कम इन अ मंथ और सो, आप मैं एक आध महीने में आऊँगा, हैव फेथ इन गॉड, भगवान पर भरोसा रखिए, वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? बिल्कुल। सेटल दिस मैटर सम हाउ, इस मामले को कैसे भी करके सुलझाओ। वेयर डज दिस रोड लीड, यह रोड कहाँ जाता है? तो ये सेंटेंसेस है, आप इसका यूज़ करिए। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ यूज़ दिस सेंटेंसेस इन योर डेली रूटीन।
आप इन सभी सेंटेंस का यूज़ करें ताकि आप अंग्रेजी बोल सके। वी आर मेकिंग दिस वीडियो सो डेट यू मे लर्न इंग्लिश। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।